नाम तो आपने सर्कस दिया लेकिन हमें कहीं भी सर्कस देखने को नहीं मिला। खूब अच्छी लगी, एकदम कॉमेडी मूवी है। आउट ऑफ 5 में से मैं 4 स्टार दूंगा। बस ओके ओके मूवी है। आउट ऑफ 5 में 3.5 स्टार बनते हैं। सर्कस मूवी मुझे 1 टाइम वॉच लगी। 5 में से 5। सर्कस मूवी देख के ना मेरे बदन में करंट फैल गया पूरा। हैवी हार्ट 2.5 क्रिसमस का यू नो अवसर है और कितने लोग वेकेशंस में कितनी आस के साथ ये मूवी देखने आएंगे लेकिन उनकी आशा शायद निराशा में बदल जाए, तो प्लीज़ अपने साथ हेडेक की पिल्स लेके आइए। सर्कस मूवी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा है और लिटरली बहुत टाइम से जो अभी 10 दिन से जो ये वाइकॉट और ये सब चीज़ें जो चल रहा था ना उससे मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। लिटरली ये मूवी देख के जो है मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो गया है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। फैमिली मूवी है बट नॉट सो एंटरटेनिंग जैसे पहली प्रीवियस मूवी रोहित शेट्टी ने इतनी अच्छी बनाई है, तो उसके कंपैरिजन में ये मुझे कहीं वहाँ तक ऑन द मार्क तक नहीं मिली, मुझे नहीं अच्छी लगी। पैसा वसूल है, आदमी इतना हंसा कॉमेडी देख के आदमी के पेट फूट गए। फैमिली मूवी है, बहुत अच्छे आपको मजा भी आएगा देखने में, पर क्या है फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग है, ओके लगेगा आपको, पर सेकेंड हाफ में रोहित शेट्टी ने बोला कि जो लोग बोर हुए जो साइड हीरो जैसे संजय मिश्रा हो गए, हमारे जॉनी लीवर सर हो गए, हमारे सिद्धार्थ जो और भी बहुत लोग हैं उन्होंने हंसा हंसा के पब्लिक को आँख में से आंसू दिला के वैसा हंसा है। सबसे अच्छी बात यह है कि फुल फैमिली बैठ के देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल वल्गैरिटी नहीं है, कॉमेडी है लेकिन एकदम साफ कॉमेडी है, बहुत अच्छी। सर्कस मूवी का नाम ही क्यों रखा वो मुझे ये नहीं समझ, और बीच में जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े को क्यों रखा वो भी मुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जबरदस्ती यू नो बीच में डाले हुए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, और सेकेंड हाफ में लोग बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस हो गए मूवी। देखिए इसमें वल्गैरिटी कुछ नहीं है, चीप कोई वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं, पूरा मतलब नीट एंड क्लीन इंटरटेनमेंट ही है के लोगों को हंसी आई। रणवीर सर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है बिकॉज उसने डबल रोल तो किया ही किया है, प्लस सोशल मैसेज भी लोगों के लिए गया है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट इज अ परवरिश होता है, ब्लड रिलेशंस नहीं होते हैं। जॉनी लीवर सर ने तो 4 चांद लगा दिए उनका, मुझे इतना मतलब सेकेंड हाफ में आते बट पूरे 4 चांद लगा दिए, मजा आ गया था उनको देख के, उन्होंने अपने कंधे पे संभाली उस मूवी को। दो ही सबसे बेस्ट कैरेक्टर है वो है संजय मिश्रा सर और सिद्धार्थ यादव, उसके अलावा मेरे को इतना ज़्यादा किसी से रिलेट किया नहीं मैंने। दीपिका और रणबीर को एक साथ देखे बहुत दिनों के बाद दोनों की जोड़ी आई तो अच्छी लगी। बेस्ट पार्ट बोलो ना इसका कॉमिक डायलॉग्स और कॉमिक सीन, हर एक सीन इतना हंसाया ना कि हंसी रुकी नहीं रही है। तो मुझे रोहित शेट्टी की मूवीज बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग होती है, बीट एक्शन मूवीज या बीट कॉमेडी मूवीज, तो वो मुझे बहुत उनसे अपेक्षा थी लेकिन वो अपेक्षा भी खरी नहीं उतरी, बहुत ही डिसअपॉइंट हुए हम लोग, मुझे बिलो एवरेज लगी क्योंकि काफ़ी सारे बीच में रैंडम सीन से, हालांकि एडिटिंग क्रिस्प है 2.25 घंटे की है लेकिन बहुत जगह यू नो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, आई वाज काइंड ऑफ डिसग्रंटल्ड। तो रोहित शेट्टी का जो एक यूनिक स्टाइल है कॉमेडी हो या एक्शन हो वो यहाँ पे नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, बट संजय मिश्रा ऑब्वियसली उनकी कॉमेडी वो अच्छा था, सिद्धार्थ यादव अच्छे थे, बाकी कोई नहीं, मुझे कोई नहीं अच्छा लगा। उन्होंने गोलमाल का जो ट्यून रहता है वही उन्होंने कन्वर्ट करके इसमें बनाया, पर बहुत अच्छे से बनाया, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, जो ग्राफिक मतलब जो सेट्स बनाए जैसे ट्रेन का सेट हो गया या फिर जो लोकेशन उन्होंने शूट किया हो परफेक्ट बना एकदम, मतलब बहुत मज़ा आया। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर जो है हमें वो सारी फिल्मों की याद दिलाता है, गोलमाल से लेकर सिम्बा से लेकर सूर्यवंशी से लेकर सबका कॉम्बिनेशन है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिलेट करा हमने इस फिल्म से क्योंकि रोहित सर की फिल्में हम देख के बड़े हुए हैं आज तक। म्यूजिक में से दीपिका मैम का गाना मुझे अच्छा लगा, करंट लगा रहे वो आगे वो ठुमका मार के चले गए, उनका मैं बोलूँ कि और ज़्यादा रोल होना चाहिए था, थोड़ा 5 मिनट का एक डायलॉग डिलीवरी होना चाहिए था, वैसे देखा जाए तो जस्ट 1 टाइम वो जब आपको कॉमेडी भर भर के है, सेकेंड हाफ में इतनी कॉमेडी का भस के पागल हो जाओगे, इतनी कॉमेडी भर भर के है क्योंकि गाने में करंट है और मेरे को करंट लग गया रणवीर सिंह को देख के, और परफेक्ट इंसान को गया रणवीर सिंह जो ये गाने को सूट करते हैं, और इस पर डांस भी उन्होंने अच्छा बहुत किया। और रही बात सब जितने भी वेरियस कैरेक्टर है रोहित शेट्टी ने ना सबको इक्वली यूज़ किया है और सबने बहुत हंसाया, बस एक लाइन बोलना चाहूँगा पब्लिक जाओगे फर्स्ट हाफ में आपको बहुत बोरिंग करेगा, सेकेंड हाफ तक तो वेट करना, हंस हंस के बाहर निकलोगे। म्यूजिक तो म्यूजिक बढ़िया है, क्या फिल्म की स्टोरी के हिसाब से म्यूजिक रखा जाता है, थ्रिलर कोई पिक्चर होती है उसके अंदर हिसाब से उसका म्यूजिक होता है, कॉमेडी में कॉमेडी के हिसाब से म्यूजिक होता है, म्यूजिक में कोई कमी नहीं। रोहित शेट्टी ने कॉमेडी मूवी में एक नया चीज़ बताया कि ऑर्फेन होम होता है और बच्चों को लोग नेगलेक्ट करते लेते नहीं है, सोचते बड़ा हो के खून दिखाएगा और पता नहीं है तो क्या करेगा,
वो इसने कॉन्सेप्ट बदला, कोशिश किया कि भाई आगे चल के परवरिश काम आती है, खून काम नहीं आता। और मुझे एक ये अच्छा लगा रोहित सेठ का कि इतनी आसानी से उसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये जो अनाथ आश्रम का दिखाया, गोद लेने का दिखाया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये है ही, और लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए। तो उन्होंने लाइटली एक मैसेज दिया है पब्लिक को कि आप ऐसा कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लगा। और ये मूवी को सभी को देखने आना चाहिए, बिकॉज जो भी अभी वाइकट जो चल रहा है वो सब अगर माइंड फ्रेश करना है और अपनी चीज़ों को अच्छे से देखना है तो इस मूवी को देखने ज़रूर आना चाहिए।